हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही हमें अच्छे से अच्छे पोल्ट्री वीडियोज बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स वीडियो में एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि देसी मुर्गी 1 किलो वजन गेन करने के लिए कितने महीना लेती है, कितना टाइम लेती है। तो आइए जानते हैं उसी सवाल का जवाब इस वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611433 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। इस वीडियो में पूरी की पूरी देसी मुर्गियों की जितनी भी मैंने ग्रोथ रेट और फीड कंजप्शन रेट बताया है वो पूरी की पूरी नस्ल मैंने अपने खुद के पोल्ट्री फार्म पे उनकी प्रैक्टिकल बैचेस डली हुई है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ आपके पोल्ट्री फार्म पर जो भी चिक्स आएगा अगर वो किसी अच्छे ग्रोथ रेट बढ़ाने वाले नस्ल के साथ, देसी नस्ल के साथ क्रॉसिंग होके आएगा तो मैंने बताए वाले फीड रेट के साथ वो मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा वो फीड कम ही का आएगा, क्योंकि तो वो आपके पोल्ट्री फार्म पर आया वाला चिक्स क्रॉसिंग होके आया है, ये बात ध्यान में रखिए। जितने मैंने ब्रीड्स बताई है अगर वो चिक्स आपकी तरफ ओरिजिनली आया तो मेरा फीड रेट और आपका ग्रोथ रेट मैच जरूर होगा ही होगा। साथ ही साथ ये बात आपकी फीड की क्वालिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो चलो आज जानते हैं कि देसी नस्ल की मुर्गियाँ 1 किलो वजन गेन करने के लिए कितना टाइम लेती है, उसके लिए कितना दाना खाती है। चलो फिर आज जानते हैं कि हमारी जो घर की देसी मुर्गी होती है वो कितना टाइम लेती है 1 किलो वजन गेन करने के लिए। हमारी घर की देसी मुर्गी 4 किलो फीड खाएगी और 3.5 महीने का टाइम लगेगी 1 किलो वजन गेन करने के लिए। इस कंसिडरेशन में एक बात और ध्यान में रखिए, जो भी फीड की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी का फीड है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आएगी देसी डीपी मुर्गी, जो कि है फीड 3 kg 700 ग्राम खाएगी और 85 से 90 दिन का टाइम लगेगी 1 किलो का वजन गेन करने के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा देसी डीपी क्रॉस मुर्गी, जो कि फीड 3 kg 200 ग्राम खाएगा और 70 से 72 दिन लेगा 1 किलो का होने के लिए। चौथे नंबर पे ओरिजिनल कड़कनाथ मुर्गी, वो है फीड 3 kg 800 ग्राम खाएगी और 90 से 95 दिन लेगी 1 किलो वजन गेन करने के लिए। उसके बाद है RIR रोड आइसलैंड रेड, फीड खाएगा 3 kg 400 ग्राम और 75 से 78 दिनों में 1 किलो का होगा। छठवे नंबर पे है FFG ब्रॉयलर, जो कि फीड खाएगा 2 kg 600 ग्राम से 2 kg 800 ग्राम के भीतर और 40 से 42 दिनों में 1 किलो बन जाएगा। इसके अलावा भी देसी में बहुत सारी टाइप्स होती है, जैसे कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप, रोड रॉक, ग्राम प्रिया, सुवर्ण धारा, ठीक है ना। लेकिन उसका मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैंने उस नस्ल को इस वीडियो में कंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। आई थिंक अभी आपको पता चल गया होगा कि जो मेन देसी मुर्गियों की नस्ल है वो कितना फीड खा के कितने दिनों में 1 किलो का वजन गेन करती है। इसी तरह के और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो देसी मुर्गी की कौन से नस्ल पे, कौन से क्वेश्चन पे चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, इसी तरह का एक नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो लेके मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।